हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ जेड 7 प्रो 5G फ़ोन है, तो IQ जेड 7 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी दूसरे नंबर पे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि QR कोड स्कैन करके वाईफाई नेटवर्क को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस इंटरनेट आप कैसे चला पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट QR कोड ऑप्शन था, जिसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे आप QR कोड स्कैन करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपली आपको बस यहाँ से जाना होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे। तो इस पर जाकर आपको हॉटस्पॉट सेटिंग्स पे जाना है। इस पर जाकर आपको हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है, ऑन कर लेना है। फिर इस पर जाकर ये पासवर्ड है, इसको आपको इस तरीके से कर देना है, इससे आपके पास ये QR कोड स्कैनर का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप QR कोड स्कैन करके भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप QR कोड स्कैन करना और नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा आपका दूसरे फ़ोन में, जिससे आप वायरलेस इंटरनेट चला सकते हैं या फिर नियर बाय का यूज़ भी कर सकते हैं। यानी इसके जरिए आसपास के फ़ोनों में आप QR कोड शेयर करके भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। नहीं तो आपको बैक करना होगा, आपके पास वाईफाई सेटिंग्स आती है जहाँ से स्कैनर सेटिंग्स पे जाकर आप स्कैन करके भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और बिना पासवर्ड के नेटवर्क को कनेक्ट कर पाएंगे, या सिंपली यहाँ से अभी नेटवर्क कनेक्टेड है तो इसका भी आप QR कोड ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी नेटवर्क का QR कोड ओपन करके किसी भी दूसरे फ़ोन में नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं और वायरलेस इंटरनेट भी चला पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी